कुएं के मेंढक के लिए तालाब की दुनिया है ही नहीं, उसको वही सुख मिलता है और वो यही समझता है कि ये समंदर है मेरे लिए। और समंदर के मेंढक को पूछो तो उसको पता चलता है कि समंदर कितना व्यापक है। ऐसे ही जो मोह माया में उलझे पड़े हैं उनके लिए तो वही उनकी दुनिया है, और उससे बाहर निकल के देखे तो वो सुख पता चलता है कि इससे ऊपर कुछ सुख है जो किसी साधनों का मोहताज नहीं होता, जो किसी रिश्तों का मोहताज नहीं होता। तो वो चखने को हमें थोड़ा सा झलक मिलती है तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो झलक तो मिलती है ना। लोगों को तो नसीब नहीं होती, सोच भी नहीं सकते लोग कि ऐसा सुख भी होता है, ऐसा सुख भी होता है, ऐसा लोगों की कल्पना में भी नहीं होती। आपको कृपा से वो सुख देखने को तो मिलता है ना, कुछ क्षण के लिए वो अनुभूति करने को तो मिलती है ना कि आप निरीक्षित हो जाते हो, निर्विषय हो जाते हो, आपको कुछ नहीं चाहिए फिर भी आप आनंद देते हो, वो देखने को तो मिलता है ना, होता है ना। थोड़ी देर के लिए भी आपको सुख मिला होगा तो ऐसा तो आप भाग्यशाली हो, लोगों की तो कल्पना में भी नहीं है। इसलिए उनकी दुनिया उतनी है और जिसने ये अनुभूति चखी है उसके लिए ऐसा तो लगता है हाँ कुछ तो है, जो हमने जिसको देखा वो कुछ तो है, तो वो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा, जिसने देखा ही नहीं वो कोशिश कैसे करेगा। इस दीवार के पीछे कुछ है और वो बहुत रमणीय स्थान है, बाग है, बगीचा है, सुंदर पुष्प लगे, फल लगे, फूल लगे, ये अगर आपने एक बार भी छाप कर देखा है तो आपको वहाँ जाने की इच्छा होती है कि फिर उसका रास्ता खोजते हो, इधर से जाओ, इधर से जाओ, टूट के जाओ, घूम के जाओ। पर जिसके लिए वो काली दीवार है, जिसको पता ही नहीं, तो वो यही समझता है कि बस ये बंद है ना, इतना ही है हमारा, यही हमारा परिवार है, यही हमारा भगवान है, यही हमारी खुशियाँ, और उसी को खुशी मान मान के अंत तक दुखी हो जाता है। जैसे मकड़ी का जाल, तो बेचारे उनका तो कसूर ही नहीं है, जिसने वो साधन रहितता का सुख चखा है, देखा है, उसके लिए द्वार खुला है, जिसने देखा ही नहीं उसके लिए तो द्वार बंद है। आपके लिए द्वार तो खुला है ना, आप सोच तो सकते हो, समझ तो सकते हो, प्राप्त तो कर सकते हो, क्योंकि आपने चखा है। जैसे चखा नहीं मिलता किसी, इसलिए ऐसे ऐसे सुख को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए जो निर्विषयी है, जो साधन रहित सुख है, वही वास्तविक आनंद है। किसी साधन से प्राप्त हुआ सुख, साधन मिलेंगे तो सुख और साधन बिछड़ेंगे तो दुख, विषय मिलेंगे तो सुख, विषय बिछड़ेंगे तो दुख, व्यक्ति मिलेंगे तो सुख, व्यक्ति बिछड़ेंगे तो दुख। हमें एक आदत सी हो गई है, या तो हम सुनते हैं, या तो हम देखते हैं, या तो हम कुछ करते हैं, या तो हम कोई क्रिया में, किसी क्रिया में होते हैं, है ना। तो हमें ऐसी आदत सी पड़ गई है कि कुछ करने से आनंद मिलता है, और हमें वो करने की आदत सी हो गई है। या तो बैठेंगे ना शांति से तो ऐसे कुछ देखते रहेंगे, बैठेंगे शांति से तो सुनते रहेंगे, ये हमेशा करना आवश्यक नहीं होता है। और करोगे तो उसके लिए इंद्रियां चाहिए होती है, इंद्रियों के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। देखने के लिए आँख चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, बोलने के लिए मुंह चाहिए, स्पर्श करने के लिए स्पर्श इंद्रियों का सुख चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, है ना। तो जितने भी सुख हैं इस संसार के, वो सारे इंद्रियों के द्वारा प्राप्त है। बिना इंद्रियों के कोई भी सुख आज तक किसी को महसूस नहीं हुआ, इंद्रियगत सुख, ठीक है। कभी कभी आप कुछ मत करो, ना देखो, ना सुनो, ना किसी प्रकार का विचार, यूं ही बैठो, आप देखो आपको बहुत सहज आनंद आएगा। कुछ मत करो तो क्या करो,
अगर आप प्रकृति के पास बैठे हो तो प्रकृति को देखो, ये आनंददायी है। इसको देख के कोई एक आध ऐसी चीज आपके चित्त में प्रस्फुटित हो जाएगी कि भगवान ने कितना सुंदर बनाया है। प्रकृति से आप परमात्मा तक पहुंचोगे। कभी बैठो अपने विचारों के साक्षी बन के बैठो, क्या आ रहा है, दुख आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो बेटा हम बैठे, आप हम देखते हैं कि कौन कौन सा दुख है आपको। आप देखोगे उसका अस्तित्व ही नहीं है। जब देखने वाला कोई आएगा ना तो उन चीजों का अस्तित्व मिट जाता है। आपको कुछ चाहिए, चलो आओ हम बैठते और लिस्ट बना लेते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। बताओ बताओ क्या चाहिए, आपको कुछ भी नहीं आएगा दिमाग, करके देखना। तुम जब तक इंद्रियगत सुख है तब तक हमको ये चाहिए ये चाहिए, हम उसके बिना नहीं रह सकते, हम उसके बिना नहीं चल सकते, हम कैसे चल पाएंगे, ये सारे विचार। जब आप थोड़ा भी साक्षी भाव में स्थित होने की कोशिश नहीं, हम ये नहीं कहते आप स्थित हो जाओ, पर केवल देखोगे भी ना अपने मन के विचारों, आपके विचार गायब हो जाए। तो कभी कुछ ना करके देखो, कुछ मत करो, विचार चल रहे ना, देखो आओ भाई दुनिया भर के विचार कर लो, आजा पर मेरी हाजिरी में कर। जैसे बच्चा बहुत तूफानी है और बहुत मस्ती करता है, पर अगर उसका बाप यूं खड़ा रह के देखे उसको और कर, उसको एक डर लगता है ना, और वो अगर कोई एक कांच का ग्लास उठा के फोड़ने वाला है तो नहीं, मैं तो देख रहा था केवल, है ना, मैं देख रहा था कि इसमें पानी भरा हुआ है कि खाली है। वो एक्सक्यूज देता है, क्यों देता है, क्योंकि उसे कोई देखने वाला है। तो ये वृत्तियां भी एक बच्चे जैसी है, इसे जब कोई देखने वाला होगा ना तो इनका अस्तित्व खत्म था, इनकी क्षणिकता तो आप ना देखो तो भी ये एक जैसी नहीं रहती, तो जब देखने वाला हो तो रहेगी नहीं। और उस समय जो आप आनंद को प्राप्त करोगे वो वास्तविक है, क्योंकि वो इंद्रियगत नहीं था, आपका अपना था। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख, इंद्रियां मिलती है, इंद्रियां और वस्तु दो चीजों का जब मेल होता है तब वो आपको सुख का आभास है। गाना और काम दोनों का मेल हुआ तब वो आपको सुख है, आंख और दृश्य का मेल हुआ तब आपको सुख है, स्पर्श इंद्रियां और व्यक्ति का मेल हुआ तब सुख है। पर इसमें पराधीनता है ना, अगर एक कोई भी एक इंद्रिय नाकाम है, काम नहीं करती, तो वो सुख उस व्यक्ति को नहीं आएगा जिनको आंखें नहीं है उनको दृश्य का सुख नहीं है, जो बहरे उनको सुनने का सुख नहीं, पर वो बहरे अंधे लूले काणे लंगड़े जितने भी लोग हैं वो आत्म सुख के अधिकारी तो हैं, उन्हें वो सुख तो आता है, ध्यान में बैठे होते हैं, बहरे भी बैठे होते हैं, अंधे भी बैठे होते हैं, काणे भी बैठे होते हैं, नपुंसक भी बैठे होते हैं, है ना, कई प्रकार के लोग। तो आप जब ध्यान कराते हो तो उसमें सबको बराबर आनंद आता, क्यों, क्योंकि वो इंद्रियगत सुख है, इंद्रियों के लिए इंद्रियां चाहिए और उसको पूर्ति करने वाला वस्तु चाहिए। कभी वस्तु रहित, व्यक्ति रहित, साधन रहित ऐसा सुख लेने की आदत से बनाओ। कर्म कर रहे हो, करो, उस कर्म को देखो कि आप वो जो कर रहे हो वो आप होश में कर रहे हो ना, घास काट रहे हो, हमारा मन कहीं और चलता है, आप घास काटते हो, है ना, बहुत छोटी सी, आप स्नान करते हो, स्नान तो सभी करते हैं, घास सब नहीं काटते, स्नान करते हो, पर हम जब स्नान करते ना उस समय भी हमें 50 प्रकार के विचार होते हैं। क्या हम स्नान के वक्त स्नान हो जाते हैं, क्या उस वक्त वहां है, नहीं है, आप पानी डाल रहे हो तो हाँ हम, मैं शिव जी को स्नान करा रहा हूँ, आप देखो आनंद आ रहा है कि नहीं, अपने से बाहर कभी भी आनंद का बिंदु हो ही नहीं सकता, ये हमारी भ्रांति है कि उससे मिला उससे मिला उससे मिला, पर वो यहाँ था इसीलिए, यहाँ नहीं होता तो मिलता नहीं।
जाने का सुख कब मिला, जब आपकी कान की इंद्रिय तेज है, इसलिए आप में है ना। अगर आप बंद कर दो या बहरे हो जाओ या आपको सुनाई ना दे तो कितने गाने चले आपको क्या फर्क पड़ता है। जो कुछ भी है आपके पास, नहीं समझूं, कोई भी सुख आप जो लेते हो वो आपके भीतर है पहले, तब बाहर का संसर्ग होने से आपको सुख प्रतीत होता है। पहले है तो आपके पास ना, खुशबू है मैंने लिया, पर मेरी अगर घ्राणेन्द्रिय काम नहीं करती है तो कितने ही फूल रख दो, ये चाहिए ना, ये नहीं चाहिए, ये गौण है, पहले क्या चाहिए, मेरी इंद्रिय सतेज चाहिए। तो क्या हुआ यहाँ पर भी, मैं मुख्य हूँ, ये गौण है, मैंने दृश्य देखा, पर मेरी आंखें अगर कमजोर है, जिसको मोती आ जाता है उनको कुछ नहीं दिखता जब तक ऑपरेशन ना कराए, दोनों आंखों में मोतिया हो, कितना ही कोई नाच के चला जाए उसको पता ही नहीं चलेगा क्यों मेरे पास नहीं है ना वो। इसीलिए आप महत्वपूर्ण है, आपके पास जो चीज है वही आपको सुख देती है। तो मुख्य है आपके पास इंद्रियों का होना, मतलब वहां आप मुख्य हैं, मतलब सुख का केंद्र कहां हुआ, वहां नहीं, यहां। तो हम कुछ देखते हैं, हम किसी को देखते हैं और हम सुख का आभास या अनुभूति करते हैं, वो सुख की अनुभूति उस व्यक्ति विशेष या पदार्थों में नहीं है, पर वो सुख हमारे में, इसलिए हमें वो सुख वहां दिखता है। तो कभी कभी निर्विषय होके, विषय रहित, पदार्थ रहित, वस्तु रहित, कभी ऐसे ही बैठ के सुख लेके देखो। हमने तो कल कुछ नहीं किया, केवल ऐसे बैठे, पंखा वंखा सब बंद, कमरा बंद, दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, प्रत्येक मुझे उसमें मुझे ओमकार की ध्वनि सुनाई दे रही थी कि पूरी सृष्टि, और वैसे भी जब सृष्टि का आदि काल था तब सृष्टि उत्पन्न हुई तो पहला शब्द ओम था, ठीक है, जो आज भी इस सृष्टि में व्याप्त है। पर हमारी कामना, हमारी इच्छा, बाहर की आवाज और बाहर का कोलाहल हमें वो सुनाई नहीं देता, हमें सुनने नहीं देता। ऐसे ही जो बाहर चलता है वो हमारे भीतर भी सोहम हंसा के रूप में चलता है, पर वो हम सुन नहीं सकते क्योंकि हमें हमारी चित्त वृत्तियों को शांत होने की आदत नहीं है। तो कभी कुछ ना करके यूं ही बैठे रहो जहाँ बाहर की कोई आवाज ना आए, पंखे की भी आवाज ना, आपको ऐसे लगेगा कि नदियां बह रही है, झरनों की कलकल आ रही है, ऐसी सृष्टि में भी आवाज सुनाई दी है। चाहे आप वीरान में बैठे फिर भी आपको लगेगा कि ओमकार या विंदन सुनाई देगा। अगर हमारी वृत्ति इतनी सूक्ष्म है तो कभी कभी निर्विषय होने में जो आनंद है ना, वो विषय में, कुछ पदार्थों में या कुछ क्रिया में या कुछ करने में, वो सुख नहीं होता ऐसा है ना। जब आप किसी इंद्रियों के सुख को प्राप्त करने की कोशिश में बेचैन होते हैं तब आपकी सारी दुनिया लुटी पड़ी होती है। आनंद तो है आपके पास पर आपका आनंद कोई और ले गया है, तो आप भिखारी बने फिरते हैं। ऐसा क्यों? और जब वो मोह का पर्दा आता है ना, आप एकदम फ्री, दिमाग ऐसा हल्का फुल्का, आपको अनुभव है ऐसा, किसी चीज, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति में आपका अगर मन अटका है तो बेचैन करेगा, या उसे पाने को या उसे रखने को, ठीक है। पर आप उसी समय छोड़ो, मैंने छोड़ दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप देखो अभी हल्के हो गए, मैंने छोड़ दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या फर्क पड़ता, अपन शाह है, बादशाह है, अपन को किस चीज की आवश्यकता। आपका मन उसी समय हल्का फूल जैसा, अनुभव है आपको ऐसा, है ना। तो आप सुख के केंद्र हो, हमारी इंद्रियां ही हमें धोखा देती है कि इसके मिलने से, इसको देखने से, इसको सुनने से मुझे सुख है। सुख पहले आपकी बात,